अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो मैं लाहौर से वापस आ चुकी हूँ इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ख़ूबसूरत हवा में और शाम के टाइम पे मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ कि जी हमने ईद के कुछ दिन अराउंड 2 डेज़ और 3 डेज़ हमने वहाँ 2.5 डे हमने डेज़ वहाँ गुजारे और इट वॉज़ अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट टाइम स्पेंडिंग ओवर देयर। खैर, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही है और महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो वी ट्राइड एंड वी इन्जॉयड दैट। हमने उसके एक इसको मोटर बाइक पर सैर की, मोटर बाइक पर हम 2-3 मोटर बाइक्स पर पूरी फैमिली, मुस्तफ़ा डू नॉट टच इट, ओके, हम घूमने गए और हमने लाहौर के बहुत ही मशहूर जो पिज़्ज़ा और बर्गर बनाने वाली आउटलेट पे हम गए, पिज़्ज़ा और बर्गर आउटलेट पे गए, विच वाज़ अमेजिंग। अच्छा, खैर, उससे पहले हमने रोड को इन्जॉय किया क्योंकि लाहौर की ट्रैफिक, इट वाज़ माय फर्स्ट विज़िट जिसमें मैंने लाहौर को एक्चुअली घूमा है और उसको मैंने उसकी सैर की है। अदरवाइज एक दो विज़िट हुए थे, वंस आई विज़िटेड अ डॉक्टर एंड वंस आई हैड टू सी माई टीचर एट पंजाब यूनिवर्सिटी, और वो बिल्कुल कोई अराउंड 3 to 4 hours हमने स्टे किया था लाहौर में और जब हम वापस आ गए थे। खैर, इस विज़िट में मैंने देखा कि लाहौर अराउंड 50% और 70% इज़ जस्ट लाइक रावलपिंडी, और जो 40% वो रावलपिंडी जैसा नहीं है वो ये है कि उस वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है। रावलपिंडी में पोल्यूशन है लेकिन कदरे या 20-30% कम है लाहौर से, क्योंकि वो एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे पकवान बहुत ज़्यादा है हर जगह पे, भाई आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा खाने पीने के ढाबे और जो कि लाहौर इज़ फेमस फॉर। और सेकेंडली जो है, लाहौर में बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हर जगह बना दी गई हैं दैट जो रावलपिंडी जैसा है, और एक मेट्रो। अच्छा, जो चीज़ रावलपिंडी जैसी नहीं है जो डिफरेंट करती है इसको कि तो बहुत ही कदीम शहर है और रिच, कल्चरली रिच है। अब ये सब चीज़ें आपको पता है, आई एम टेलिंग यू फॉर कि मैंने जो फील भी किया, मुझे अच्छा लगा लाहौर का एक्चुअली विज़िट, और मेरा ख्याल है मैं ऑफिशियली पैदा भी हो चुकी हूँ कि लाहौर नहीं देखा तो जमया नहीं, आज हो गया जी वो। फिर यहाँ पे मैंने, हम लोग बाइक पे थे और मैं मुस्तफ़ा के लिए आई वॉज़ रियली वरीड, क्योंकि मुस्तफ़ा अपने पप्पू की गोद में था और मुझे मुस्तफ़ा के लिए, मैं बाइक पे बहुत डरती हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो ठीक है, लेकिन हमने पूरा एक साल बहुत टफ गुजारा। तो खैर, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, लेकिन बाइक से मुझे अब खौफ आता है और मुझे एक फोबिया हो गया बाइक का। अच्छा, फिर हम लोग, मैं, मुस्तफ़ा, रियान, मानी और मदनी भाई और मेरी जो नन है, वो हम लोगों ने खूब सैर सपाटा करते हुए, काफ़ी दूर था, आई हैड नो आइडिया, लेकिन क्योंकि मौसम लाहौर का इन 3-4 दिन में पूरे पंजाब का ही बहुत अच्छा था तो इसलिए बहुत बुरा नहीं लगा, और मुझे एक ताज़ा हवा जो थी वो आई नीडेड। तो हम लोग गए और उसके बाद मैं आपको जो पिज़्ज़ा की खासियत बता रही हूँ, दे वर वेरी मच राइट कि वो वाला पिज़्ज़ा मैंने कहीं नहीं खाया होगा। इस्लामाबाद का मुझे जो अच्छा लगता है वो ब्रॉडवे का अच्छा लगता है और चीज़ियस का बेहतर लगता है। मुस्तफ़ा, एक सेकेंड, अच्छा जी, लेकिन ये जो पिज़्ज़ा था इसके लिए देवर, हम जब वहाँ पहुँचे बहुत रश था, इतना रश कि आप सोच नहीं सकते, और टोटल देसी माहौल था वहाँ पे और हर तरह की गैदरिंग थी, हर तरह के इंसान वहाँ आया, मतलब मीडियोकर भी थे, मिडिल क्लास भी थे लाइक आस सर, हर तरह का इंसान वहाँ पहुँचा हुआ था कि जी वो खाना है आपने पिज़्ज़ा और बर्गर, और बहुत अच्छा, टेस्टी और हेल्दी और क्लीन। अच्छा, मैं आपको पता है कि प्रमोशन के लिए नहीं करती, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उनकी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पिज़्ज़ा आउटलेट से जो कि खाली पड़े हुए थे, बहुत ही एलीट क्लास के जो पिज़्ज़ा वो भी खाली पड़े हुए थे, लेकिन जो टेस्ट मैंने देखा, हमने ट्राई भी किया, वो इन्हीं का था, पिज़्ज़ा का भी और